हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ मिश्रा और आज फिर कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि 3-4 दिन की क्लास हम लोग की ऑफ रह चुकी है। तो आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास बोर्ड एंड स्ट्रीम। से पहले मैं रेलगाड़ी का जो लास्ट टॉपिक बचा था उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम शुरू करूँगा। यानी मैं नंबर सिस्टम पढ़ लिया, नंबर सिस्टम में जितने पार्ट थे उसको मैंने पढ़ लिया, ऐसे में से पढ़ लिया, वर्क वर्कबुक घनघोर जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने पढ़ लिया, वर्क एंड टाइम पढ़ लिया, पाइप एंड टंकी पढ़ लिया, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया, उसके टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने रेलगाड़ी को भी पढ़ लिया। रेलगाड़ी में क्या है, 2 क्लास हमारी हो चुकी है, 3री क्लास जो हमारी लास्ट क्लास जो है आज होने वाली है, और इसके बाद से बोर्ड एंड स्ट्रीम है, SICI होगा, एवरेज होगा, बाकी जितने भी यानी अर्थमेटिक के मैक्सिमम कंसेप्ट हो चुके हैं, 80% सिलेबस आपका कवर है, 20% सिलेबस बचा हुआ है, उसके बाद एडवांस हम लोग काम करेंगे। और बहुत ही जल्द हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन होने वाली है, बहुत जल्दी खुलने वाली है, जिससे हम लोग रूबरू मिलेंगे। जैसे कि ऑनलाइन जो है आपकी प्रैक्टिस, मैंने शुरू से कहा कि आपका जो क्विक रिविजन है ये आप घर बैठ के पढ़ते रहो, जिससे आपका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता जाए। आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हो तो आप ये मत कहो कि सर मैंने पढ़ा नहीं कुछ। हमारा अध्ययन अकेडमी का हर बच्चा ये कहे कि अध्ययन अकेडमी की टीम ने हमारे लिए मेहनत किया हुआ है और हम घर होकर भी अपनी तैयारी को वो रूप दे चुके हैं जहाँ से हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ऑफलाइन भी खुलने वाली है, जो बच्चा ऑफलाइन जुड़ा हुआ है, जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो अध्ययन अकेडमी में आके अल्लाहपुर की ब्रांच में आके मिलें और लोगों से इमरान सर यहाँ पर होंगे उनसे मिलें और अपना रजिस्ट्रेशन करा दें नए बैच के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मात्र 3 दिन रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं, जब एडमिशन फुल हो जाता है तो बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाता है और बच्चा अपना मनपसंद बैच नहीं ले पाता, तो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो आपकी जो बैच जो होगी, जो अलॉट हो रही बैच इस समय, आप उस बैच में आप क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री कर सकते हैं, मनपसंद की बैच आपको मिल सकती है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन फुल रहती है तो आपको हमारे अकॉर्डिंग बैच लेना पड़ता है। अगर आप पढ़ने आते हैं तो सर शाम की बैच खाली है तो उसी में आप पढ़ सकते हैं, सुबह की फूल है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। एक क्राइटेरिया है तो आप आगे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए जैसे ऑनलाइन क्या है, अगर आप पढ़ रहे हो हमेशा पढ़ते रहो, छोड़ना मत इस, क्योंकि जो देखो बेटा 499 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये 499 रुपये जो है बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप पे कर सकते हो। 499 रुपये जो बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप पे कर सकते हो। इसी में आपको पूरा SSC पढ़ाया जा रहा है, इसी में आपको दरोगा पढ़ाया जा रहा है, इसी में लेखपाल पढ़ाया जा रहा है, इसमें SSC GD पढ़ाया जा रहा है, इसमें PET, जो आपका जो PET का नया पैटर्न है, PET पे जो भी नया पैटर्न बना हुआ उसको पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि PET में कौन कौन से सिलेबस होंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे आप PET को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब एग्जामों के दृष्टिकोण से PET बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को PET क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जो फीस हमारी 499 रुपये, 499 रुपये में आप पूरी की पूरी क्लास ले सकते हो। और आपको जुड़ना कैसे है, क्या करना है, अध्ययन अकेडमी सर्च करोगे नंबर मिलेगा, इमरान सर का नंबर अक्सर आपके पास होगा, आपको बताया जाएगा, इमरान सर ने भी बताया है कि कैसे कैसे क्लास करते हैं, कैसे कैसे जुड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है। तो आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी आगे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, दोनों जुड़े रहिएगा, ये 499 रुपये में जुड़ेंगे, जिससे फ़ायदा आपको होगा कि ऑनलाइन भी पढ़ोगे ऑफलाइन भी पढ़ोगे। यानी ऑफलाइन जो पढ़ रहे हो सकता है कुछ चीज़ समझ में ना आए तो उस चीज़ को ऑनलाइन आपको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रेन। ये हम कह सकते हैं कि आज हम लोग रेलगाड़ी पे काम करने वाले हैं, जो हम लोग का रेलगाड़ी का प्रश्न है इसी पे काम करने वाले हैं, आज की क्लास हम लोग इसी पे होने वाली है। आज लास्ट हम लोग क्लास रेलगाड़ी पे, बस मेरे साथ बने रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा। देखिए आज का प्रश्न आपके सामने होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सबके लिए, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ बनता है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 132 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो 132 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी, मैंने रेलगाड़ी की जो पहली क्लास थी पूरा का पूरा मैंने थ्योरी आपको कंसेप्ट बताया था कि एक रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करेगी, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग,
एक रेलगाड़ी जो होगी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी गुफा को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, उस कंडीशन में क्या करेंगे? एक रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए जानवर को, किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को, सामने से आ रही कार को, मोटरबाइक को पार करेगी, उस कंडीशन में सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कंसेप्ट हमारा क्या होगा? कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार कर रही है, उस कंडीशन में हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, सारी बातें हमने बताया। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग की क्लास होने वाली है, जो क्लास चल रही है हम लोग की, यहाँ बोला है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 132 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार कर जाएगी। तो आपको पता है कि पुल की लंबाई दी रखी हुई है, रेलगाड़ी की लंबाई दी रखी है और रेलगाड़ी की चाल दे रखी है। भाई पुल तो चलेगा नहीं, पुल तो खड़ा होगा। मान लो कि हम बात करते हैं कि ये रेलगाड़ी है, ये जो है पुल है, तो रेलगाड़ी इस पुल को तो पार करेगी करेगी, साथ में भी लंबाई को भी पार करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लंबाई बनेगी यानी पुल को पार करती है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम बराबर हो जाएगा, हमारा टाइम बराबर होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने लिखवाया था अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, यही मैंने लिखवाया था आपको, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। यही चीजें मैंने लिखवाया था कि कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रेलगाड़ी को पार कर रही है, किसी गुफा को पार कर रही है, उस समय उस कंडीशन में क्या होगा? टाइम बराबर लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी रेलगाड़ी की लंबाई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी हो, प्लेटफॉर्म हो, गुफा हो, कुछ भी हो, उसकी लंबाई अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने कहा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 110 मीटर की है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दोस्त? 110 मीटर की है। रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर की, 110 मीटर की है, प्लस हमने कहा पुल की लंबाई कितना है, 132 मीटर की, 132 मीटर की है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ए रेलगाड़ी की चाल जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 18 चौका कितना हो जाएगा, 72। यानी हमने कहा कि हो जाएगा 242 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, 200 डिवाइड बाय 5 का 20 हो जाएगा, यानी काटने पे आपको मिलेगा ये मिलेगा 12.1 सेकंड। 12.1 सेकंड में क्या कर जाएगी, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ इस प्रश्न में आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है इस क्लास में, मुझे इस क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा आपके सामने है, दूसरा प्रश्न ये है, 4-5 दिन की क्लासें मेरी ऑफ थी, घर चले गए थे भाई, आप घर को पूरे लॉकडाउन पूरी ही कोरोना महामारी में यहीं पे थे, 4-5 दिन से हम घर थे, क्लास नहीं चल पाई, कोई बात नहीं, क्लास हम फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, अब किसी की बात ऑफलाइन में शुरू होने वाली है, तो हम लोग की मुलाकात रूबरू होने वाली है, हम तेरे शहर में तू हमारे शहर में, एक दूसरे के दूसरे से अनजान मिलने वाले हैं, फिर जान पहचान होगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी, जैसे यहाँ पे वर्चुअली मुलाकात होती है, यहाँ पे आप लोग हमसे वर्चुअली मुलाकात कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन जब ऑफलाइन रहेंगे उसकी बात कुछ और होती है, जब दिल से दिल मिलता है उसकी बात कुछ और होती है। तो हम लोग अपने कैरियर को नई ऊंचाई देने का प्रयास करने जा रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा अध्ययन अकेडमी के साथ और आपको कहीं कोई दिक्कत। आज अब यहाँ बोला है कि रेलगाड़ी ये जिसकी लंबाई है 328 मीटर, रेलगाड़ी ये जो है जिसकी लंबाई कितना है 328 मीटर, रेलगाड़ी ए की लंबाई जो 328 मीटर है और एक 354 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 354 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 354 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार कर जाती है। पहले ध्यान रखिएगा, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 328 मीटर, 354 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी ए का जो स्पीड है उसको निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की एक स्पीड होगा, स्पीड बराबर जानते हैं आप, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है, रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, दोनों लंबाई जोड़ने की दूरी बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 354 प्लस 328 प्लस 300
डिवाइड बाय कितना होगा ये क्या आंसर है ठीक कोई दिक्कत नहीं है जोन पर में कितना हो जाएगा हमारा हमने कहा ये जोड़ने पे हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा 1 8 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 3 6 डिवाइड में कितना होगा 11 हमने कहा 11 से 66 11 गुना यानी हो जाएगा 22 किलोमीटर सॉरी क्या हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा 65 मीटर क्या हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड थोड़ी सी थोड़ा सा क्या है 22 मीटर पर सेकंड 65 सॉरी 65 मीटर पर सेकंड यानी जो रेलगाड़ी ए की जो चाल आ रही है 65 मीटर पर सेकंड की अब दूसरी बात करते हैं रेलगाड़ी बी उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी बी जो है कोई दूसरी रेलगाड़ी है बी उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है यदि रेलगाड़ी बी की चाल जो है ए की चाल का 7/8 हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या होगी रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या होगी तो मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है रेलगाड़ी बी की लंबाई नहीं पता प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 354 मीटर है हमने कहा प्लेटफॉर्म की लंबाई 354 मीटर है आ प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन बी की लंबाई हमको नहीं पता यानी हम सीधी लेंथ ऑफ द ट्रेन लेके केवल बी लिख दें यानी बी की लंबाई हमको नहीं पता बस इतना पता है कि वो 12 सेकंड में पार कर जाती है कितने सेकंड में पार कर जाती है 12 सेकंड में पार कर जाती है कितने सेकंड में पार कर जाती है 12 सेकंड में पार कर जाती है और इसकी जो चाल है ए की चाल की 7/8 ए की चाल की 7/8 है चाल जो है इसकी ए की चाल 62 है और 7/8 7/8 में कितना हो जाएगा 8 यही चाल दे रखा हो तो हमने कहा कि हो जाएगा कितना 331 हो जाएगा ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा हमारा तो मेन रोड हमारा क्या बनेगा 4 पे ये हो जाएगा ये भी हमारा कट जाए कोई दिक्कत नहीं ये हो जाएगा 354 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 × 7 = 7 गड़बड़ हो रहा है क्या एक मिनट रुक जाइएगा कैलकुलेशन हम पूरा करते हैं कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं पूरा करते हैं तो अच्छा रहेगा अब कैलकुलेशन को पूरा करते हैं तो ही सही रहेगा इसको हम चार बना दिए दो से कटेगा चार ये हो जाएगा कितना भाई हमारा था 12 ये हमारा 12 था तो कोई दिक्कत नहीं ये हो जाएगा हमारा 4 से गुना इधर होगा ये हो जाएगा 4 से गुना 16 4 से 20 2 4 से 20 21 हो जाएगा 21 हो जाएगा और 4 के 12 12 तो कितना होगा 14 तो 16 आपका कितना होगा 4 भी बराबर कितना होगा ए हो जाएगा कितना 7 × 7 = 21 217 गुणे कितना हो जाएगा आपका यही भरेगा हमारा 217 गुणे 12 हो जाएगा हमारा अगर देखा जाए तो चलिए कोई बात नहीं ये हो जाएगा हमारा कितना ये हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा 12 × 84 का 4 हो जाएगा 12 × 12 और 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 12 × 24 तो कितना होगा 26 माइनस ये पक्षांतर होगा 14 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यानी b बराबर जो हमारी वैल्यू आई थी यानी कह सकते हैं कि घटा दीजिए तो हमने कहा कि 1416 हो जाएगा 4 में 6 जाएगा 14 में 6 जाएगा 8 हो जाएगा 9 में 6 जाएगा कितना 9 में 6 जाएगा 8 हो जाएगा 14 में 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना हमारा 5 में 4 जाएगा 1 हो जाएगा और 2 में 1188 बटे में कितना हो जाएगा 4 यानी कुल मिला के आ जाएगा हमारा कितना 297 मीटर आएगा 297 मीटर आएगा इस प्रश्न का आंसर 297 मीटर है क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था तो हमें एक 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 क्वेश्चन लेके हल करना था पहले मेरे रेलगाड़ी ए की लंबाई निकालनी थी उसके बाद रेलगाड़ी बी की लंबाई जो भी निकालना था आज ही अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने ये है अगला प्रश्न हमारा ये है अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यान देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हम करेंगे कह रहा है रेलगाड़ी
63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चल रही है और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 199.5 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी बीच इसकी लंबाई 257 मीटर है। और रेलगाड़ी ए की विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी ए बी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगा? तो पहली बात हमें क्या करना है, रेलगाड़ी ए की लंबाई मुझे ज्ञात करनी पड़ेगी कि रेलगाड़ी ए की लंबाई है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई ज्ञात करनी है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो आप जान रहे हैं कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई ऐड होती है। और कितने सेकेंड में पार कर रही है, 21 सेकेंड में पार कर रही है। तो हमने कहा लेंथ ऑफ द ट्रेन की बात कर लेते हैं प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 199.5 है डिवाइड बाई रेलगाड़ी का चाल कितना है, 63 है। 63 में 5 मिनट ठहर करें क्योंकि सब मीटर में किसको मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेकंड में पार हो जा रही है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हमको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे लेंथ ऑफ द ट्रेन को मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी ए और बी को आपस में पार कराएंगे और देखेंगे कितने सेकंड में पार कर रहे हैं। हमने कहा कि 963 हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा, 35 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने कहा कि ये क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, या तो हम डायरेक्ट करते थोड़ा सा हमारा पेज बचे, ये हो जाएगा 5 × 35 = 2, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2L3 प्लस 399 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 35। और हम डायरेक्ट कर दें इसको, छोड़िए डायरेक्ट कर देते हैं जो हमारा समय बच जाएगा। हमने कहा हो जाएगा 2LT प्लस 399 बराबर 21 × 35, 35 × 70 = 73, 375। हमने कहा 2LT बराबर हमारा जो हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 15 में समा हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, और 12 में समा हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 में सी जाएगा, 336 हो जाएगा। लेंथ ऑफ दी जो ट्रेन हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168 मीटर की लंबाई हो जाएगी पहले ट्रेन। अब क्या पूछा है, पूछा है कि रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में, वह रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करे कितने समय में, चलिए रेलगाड़ी बी की लंबाई 257 मीटर है, रेलगाड़ी बी की लंबाई 257 मीटर है और रेलगाड़ी ए की लंबाई 168 आ गया। अगर यहाँ पे हम हल करेंगे तो हम कर सकते हैं 257 प्लस कितना, 168 डिवाइड बाई रेलगाड़ी ए की चाल 54 है, रेलगाड़ी ए की चाल 63 है, 54 है, दोनों को जोड़ेंगे 117 आ जाएगा। 117 × 5 बटे में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमने कहा है कितना हो गया मेरे भाई, ये 13 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, 65/2, यानी हम कह सकते हैं हो जाएगा मेरे वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 450 बटे में ये हो जाएगा हमारा कितना, 65/2 कितना हो जाएगा, ये 65/2 कितना हो जाएगा, 2, यानी कह सकते हैं कि 425 कितना हो जाएगा हमारा, 425 दोनों को जोड़ेंगे 425 आ जाएगा, ये 425 हम कह सकते हैं हो जाएगा हमारा कितना, हो जाएगा हमारा 850 डिवाइड बाय 65, ये पहलू जो है कि 13 के आसपास आएगी, इतने बार तो 13 दिया नहीं है, बाद में कितना हो जाएगा, 14 सेकंड। एक्चुअली किताब में भी सॉल्यूशन में आंसर इसका 14 सेकंड ही दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको काटेंगे 13 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन किताब में इसकी वैल्यू 14 सेकंड दिया, तो 14 सेकंड हम लोग यहाँ देखेंगे। यानी फिर से एक बार समझ लीजिएगा मैंने क्या बोला, इस प्रश्न बड़ा सा प्रश्न था, यहाँ बोला है गाड़ी ये जो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 199.5 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जा रही है, तो हमें रेलगाड़ी ए की लंबाई निकालनी है, तो रेलगाड़ी ए की लंबाई निकाला तो 168 मीटर आ गई हमारी।
आप बोला है कि वह रेलगाड़ी बी जो है जिसकी लंबाई 257 मीटर है, वह रेलगाड़ी ए के विपरीत समय 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, रेलगाड़ी ए जो है बी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। तो हम कह सकते हैं जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत समय चल रहे हो तो उनकी चालें ऐड होती हैं प्लस उनकी क्या ऐड होती है, उनकी लंबाई ऐड होती है। तो दो की लंबाई ऐड कर दिए, दोनों की चालें ऐड कर दिया, एक किलोमीटर में था तो मैंने इसको मीटर पर सेकेंड मतलब 5/18 कर दिया, यानी काटने फिट में 13 समथिंग आया। इसका मतलब इसकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, यानी यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग बुक में भी आपका यही मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली ट्रेन बैठा हुआ है और ध्यान से देखता है कि उल्टी दिशा में आने वाली मालगाड़ी 9 सेकंड में उसके पास से निकल जाती है। यदि मालगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। अब सोचो अगर एक रेलगाड़ी में आप बैठे हो तो आपकी जो लंबाई होगी वो न्यूनतम होगी, रेलगाड़ी के सापेक्ष क्या होगी, न्यूनतम होगी, लेकिन आपकी चाल रेलगाड़ी की चाल के बराबर होगी, क्योंकि जिस चाल से रेलगाड़ी चलेगी उसी चाल से आप चल रहे हो उस रेलगाड़ी में। अगर रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे जा रहे हो, लेकिन आपकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, नगण्य होगी। यानी हम कह सकते हैं कि पहला एक कांसेप्ट याद करना कि रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे को पार करने में लगा समय, किसी पुल को पार करने में समय लगा समय जिसकी लंबाई नगण्य हो, वही कंडीशन यहाँ पे। बच्चा क्या करेगा, बच्चा इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई, कभी कभी दोनों ट्रेन की लंबाई दी जाती है, कह रहे कि आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति की भी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि उल्टी दिशा में आने वाली मालगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है, उल्टी दिशा में आने वाली गाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है, मालगाड़ी की लंबाई 250 मीटर, मालगाड़ी की लंबाई 250 मीटर। हमने कहा जब उल्टी दिशा में चलेंगे भाई दोनों की चालें क्या होगी, ऐड होगी, 9 सेकंड में पार कर जाती है और एक की चाल 60 है और एक की चाल हम लोग यस मान लेते हैं, अपने 5/18 में क्या कर लेते हैं, 5/18 कर लेते हैं, बात खत्म कर लेते हैं। हमने कहा कि हो जाए कितना आपका 250/9, तो सही है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा सीधे आप गुणा गणित कर लीजिए 6/350, ये हो जाएगा 250/9 इक्वल टू 300 प्लस 5 यस मान लीजिए इसको डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 गुना कितना होगा 18 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 500 हो जाएगा, ये 500 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 300 प्लस 5 यस, यानी कहा कि 200 बराबर कितना हो जाएगा, 200 बराबर हो जाएगा 5 यस, यस बराबर कितना हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी कोई परेशानी, आ जाओ अगला प्रश्न हमारे सामने, आपके सामने जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से चलने पर, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत चाल चलने पर 50 मिनट की दूरी तय करती है, यात्रा के समय को हटाकर 40 मिनट कर दिया जाए तो ट्रेन किस चाल से चलना होगा। तो देखिए सिंपल प्रश्न, ये रेलगाड़ी से ना हटके 40 मिनट दूरी से दे रखा हुआ है और रेलगाड़ी दे रखा हुआ है, हमने कहा रेलगाड़ी को डिस्टेंस बराबर जानते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड बटे मिनट, स्पीड बटे टाइम होता है, स्पीड है 48 और टाइम है मिनट में दिया हुआ है, मिनट में 50 मिनट दिया हुआ है तो मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो हमने कहा 50/60 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हमने 0 से 0 8/48, हमने कहा कि 5 8/40 यानी 40 किलोमीटर की दूरी है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलकर 50 मिनट पार कर जाता है, इसी दूरी को 40 मिनट में पार करने की उसकी चाल कितनी होगी, तो स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस बटे में टाइम, डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर है और टाइम 40 मिनट दिया है तो 40 बटे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा बचेगा कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला, ऑप्शन कौन सा है हमारा सी। किसी कोई डाउट, चलिए किसी बंदे को कोई भी डाउट, किसी भी तरीके से कोई डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। और ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए, ऑफलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग अपने कैंपस में संपर्क कर सकते हो, आ सकते हो। अल्लाहपुर की ब्रांच सुबह से लेकर शाम तक खुली हुई है, आके संपर्क करो और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। अपनी सीट जो है आप बुक करो जिससे कि आपको तकलीफ ना हो पढ़ने में। आज भी अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वह ध्यान देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई मोटर बाइक को 40 सेकेंड में ओवरटेक कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या। अब मोटर बाइक को पार करे इसका मतलब मोटर बाइक की लंबाई तो जुड़ेगी नहीं, बस जुड़ेगी किसकी लंबाई, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बन जाती है, 40 सेकेंड में पार कर जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि ओवरटेक, ओवरटेक समझ रहे हो ना आप लोग, ओवरटेक समझ रहे हो। ओवरटेक का मतलब ये है कि समान दिशा में अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल रहा है तो आप उसको ओवरटेक करते हो, यानी उसकी अपनी चाल उसकी चाल से ज्यादा करके उसको ओवरटेक कर रहे हो, कहीं कर रहे हो। यानी जब समान दिशा में चल रहे हो तो चालें हट जाती है। तुमने कहा कि क्या हो जाएगी फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो हो जाएगा हमारा, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा इसको देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। लेंथ ऑफ द ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, हमने कहा कि स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द मोटर बाइक, यानी 100 माइनस 64 गुणे 5 बटे 18 इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, और कितने सेकंड में भाई 40 सेकंड में, बात कर रहे हैं हमने कहा 36 गुणे कितना हो जाएगा, 36 गुणे हो जाएगा हमारा 36 गुणे 5 बटे 18 गुणे 40 हो जाएगा, 18 गुना 36 यानी 510 गुणे कितना हो जाएगा 40, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 400 मीटर, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा सी, लंबाई कितनी हो जाएगी 400 मीटर, ऑप्शन कौन सा जाएगा सी वाला। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पूछे गए हैं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो रही है, आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर दीजिएगा तो बताया जाएगा आपको प्रश्न। चलिए आज ये अगला प्रश्न जो आपका एक रेलगाड़ी के हिसाब 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके सामने से पैदल चलने वाले यात्री के हिसाब 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लेगा। यानी जब चाल उसी दिशा में चल रहा है इसका मतलब ये है कि उनकी चालें क्या हो रही हैं, उसी दिशा में चल रहा है इसका मतलब उनकी चालें क्या हो रही हैं, उनकी चालें घटेगी समान दिशा में चलेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई है 500 मीटर, कितना है 500 मीटर, बहुत सिंपल से प्रश्नों के साथ, और सारे प्रश्न सिंपल इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60, अभी 60 गुणे कितना हो जाएगा 5 बटे 18, कितना हो जाएगा हम कह सकते हैं 300 हो जाएगा, यानी कितना समय लेगा पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लेगा, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, हो जाएगा कितना हमारा, अगर 6 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमने कहा 500 बटे में कितना हो जाएगा 500 बटे में 50, ये 3 ऊपर चला जाएगा 300 पर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10 बार में 10 है कितना हो जाएगा 30, यानी 30 सेकंड में पार कर लेंगे आप, कौन सा होगा हमारा बी का। चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ये बताओ 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने वाली रेलगाड़ी इसे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इसकी आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में पार कर जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, तो पहले मुझे रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी तो जाके हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे, यानी हमें उस रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है जिस रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो हमने कहा कि विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले, दोनों को ऐड करेंगे हम कहेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 48 प्लस कितना 48 प्लस 42 एक किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5 बटे में 18 हो जाएगा, और कितने सेकेंड में पार कर रहे हैं 12 सेकेंड में पूरे 12 हो जाएगा,
यानी हमने कहा कि वो 90 हो जाएगा, 90 गुणे कितना होगा 5/18, 90 गुणे 5/18 गुणे कितना होगा 12, 18 प्लस 90 25 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, यानी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ा जाए तो 300 मीटर आई है, लेकिन इससे आधी लंबाई एक आधी वाली है पुल वाली है। हमने कहा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन फर्स्ट जो हो जाएगी ये 200 मीटर की हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन सेकेंड हो जाएगी 100 मीटर की हो जाएगी, आधी हो जाएगी इससे। अब कह रहा है कि यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। हमने कहा लेंथ ऑफ द ट्रेन 200 मीटर है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, बस इतना पता है कि रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 मिनट कितना हो जाएगा 5/18 और 18 हो जाएगा ठीक, और कितने सेकेंड में पार कर जा रही है 45 सेकेंड में पार कर जा रही है, इतना है हमारे पास। अब इनको हल कर लीजिएगा, इनको हल करेंगे जो आंसर आएगा मुझे बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर गुणा करेंगे तो 8/6 से काटेंगे 8 हो जाएगा, काटेंगे 3 हो जाएगा 8/6 40 हो जाएगा ठीक, 40/3 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको। चले कोई दिक्कत हो बता दीजिए। आज ये अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न यह कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 50% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है और 25% भाग जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तय करता है। रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की चाल की औसत चाल प्रति किलोमीटर घंटे में क्या हो, सिंपल सी बात, हमने एक औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय ही होता है ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय होता है, तो कुल दूरी को अगर परसेंटेज में दिया तो 100 मान लेते हैं, उसमें क्यों दिक्कत है, कुल दूरी परसेंटेज में 100 मान लेते हैं। और हम बात करते हैं कुल दूरी बटे में कुल समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है, यानी पहला 50% भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है और दूसरा 25% भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चला है, अब 50 75 शेष बचेगा 25 को चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से चला है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा एक हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमने कहा 100/3 कितना हो जाएगा हमारा, ये 5/3 हो जाएगा, 5/3 प्लस 1/1 हो जाएगा प्लस 5/4 हो जाएगा, यानी 4 का 3 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा 3 × 12 यानी 5 × 20 प्लस 12 12 प्लस 15 हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा 1200/3 हो जाएगा 47 से काटने पर आपको मिलेगा 25 सही 25/3 कितना 25 सही 25/3 47 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा पहला वाला हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा भाई पहला वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये 9 नंबर प्रश्न था हमारा, इसके जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको बताया, और एक प्रश्न आपका होमवर्क, जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ ये आपका होमवर्क है, यानी इस प्रश्न को आपको घर पे करके और मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपको कमेंट करना है। सिंपल सा प्रश्न, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन प्रश्न है, और मेरे भाई बंधु आप जितना भी प्रश्न कर सकते हो, रेलगाड़ी की प्रश्न आपने उठाया, रेलगाड़ी 3 क्लास मैंने पढ़ाया आपको और 10-12 क्वेश्चन मैंने कराया, हमने कहा कि एक क्वेश्चन पूछा जाना है, आप अगर मैं 30 क्वेश्चन कराया हूँ तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन करने का अधिकार है, आप बैठो और कम से कम एक एक क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन बनाओ, हर पैटर्न के क्वेश्चनों को देखो, हो सकता है बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, बहुत ऐसे प्रश्न हो रहे होंगे जिसका कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन उनको बनाने का प्रयास करो, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि टीचर का मतलब एक गाइडर होता है, वो गाइड करने काम करता है, काम मेहनत आपका ऊपर आपके ऊपर होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि बता दो कि इलाहाबाद से गोरखपुर जाना है और सटीक रास्ता बताइए मुझे, अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि इलाहाबाद से कानपुर जाओ, कानपुर से लखनऊ जाओ, लखनऊ से तब घूम के गोरखपुर जाओ, हो सकता है क्योंकि आपको रास्ते नहीं, लेकिन मैं कहूँ यहाँ से रात में चोरी चोरा करो सीधा जाके गोरखपुर तक जाओ तो सिंपल रास्ता, लेकिन रास्ता तय किसको करना है, तय आपको करना है, सिंपल हम करेंगे तय आपको करना है, जाके आपके साथ सफर नहीं करेंगे, तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन रेलगाड़ी पे बनाने हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं आप ही को झेलना है, दूसरे को नहीं झेलना है, रास्ते में जो कठिनाइयाँ आएंगी सो आप ही को झेलना है,
और उन्हीं कठिनाइयों को झेल के आप मजबूत बनोगे और अपने भविष्य का निर्माण करोगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जो बच्चा डेडिकेटेड है पढ़ाई के लेके, जो बच्चा अपने कैरियर को लेकर डेडिकेटेड है, वो बच्चा इस क्वेश्चन करके मिलता है। क्योंकि देखो पढ़ाई से समझौता नहीं मिलता, हर चीज़ से समझौता कर लेना, कभी अपने लाइफ से समझौता मत करना, अपने कैरियर से समझौता मत करना। जिस दिन आपने कैरियर समझौता कर लिया तो आपकी लाइफ एक्सपेंड हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी पूरी तरीके से। यानी इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, मुझे आंसर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग चलेंगे, बोट एंड स्ट्रीम में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा। मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।